तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो पे। अगर आपका रियलमी के फ़ोन में पासवर्ड लॉक भूल गए हो, पैटर्न लॉक या पिन लॉक, और आपका रियलमी का हैंडसेट आपसे ओपन नहीं हो पा रहा है, अनलॉक नहीं हो पा रहा है फ़ोन, तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका ना पैसा खर्च होने वाला है और ना ही डाटा डिलीट होने वाला। घर बैठे ही आप अपने रियलमी के कोई भी मॉडल को अनलॉक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना पैसा वेस्ट किए। ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना सर्विस सेंटर जाना है, ना रिपेयरिंग दुकान पे। अगर आप कभी भी गलती से वहाँ पे चले भी गए तो आपसे पैसा ज़्यादा लिया जाएगा और आपका डाटा भी डिलीट होगा और आपका वक्त भी, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आप 3 से 4 मिनट के समय के अंदर आप अपने फ़ोन को अनलॉक पाएंगे। कैसे, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड, कैसे अपने रियलमी में लगे हुए हैंडसेट को अनलॉक करेंगे, पहला हमें ऑप्शन क्या करना है, अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो आप लोग रीस्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैंने पहले से कर रखा है। और आपका फ़ोन ओपन होगा तो या सिम कार्ड लगा होगा तो सिम कार्ड को निकाल देना, और अगर सिम कार्ड निकला होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन पेज पे आना है, आपके फ़ोन में देखना है पिन लॉक है, पैटर्न लॉक है या पासवर्ड लॉक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन 100% अनलॉक होगा और आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा। आपको क्या करना है, इमरजेंसी कॉल को ओपन करना है और यहाँ पर एक कोड दिया जाएगा सर्विस सेंटर का, ठीक है ना। तो वो कोड आप लोग अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये कोड आप लोग ध्यान से अपने फ़ोन में भी कॉपी कर सकते हैं या कहीं पर डायरी में भी लिख सकते हैं। एंड देन इसके बाद आपको इस कोड को एक्टिवेट करना है सर्विस सेंटर से। तो सर्विस सेंटर से एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कॉल वाला। कॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉल पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देना है और इस कोड को इरेज कर लेना है। इतना काम करने के बाद फिर हमें जस्ट यहाँ पे एक मास्टर अनलॉकिंग कोड अप्लाई करना है, जो कि हमारा सेटिंग ओपन हो सके, *#899#। ये कोड को डायल करने के बाद हम लोग इंजीनियर मोड के फाइल पर आएंगे और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है। आपको क्या करना है, मैनुअल टेस्ट को ओपन करना है, सेकेंड नंबर डिवाइस पर आना है और यहाँ पे ऊपर करने के बाद जायस्कोप को ओपन करना है, डाटा डिस्प्ले को ओपन कर दीजिए और यहाँ पे आपका डाटा 1 से 30 लाइन तक कंप्लीट होगा, आपका पूरा का पूरा डाटा रिकवर हो जाएगा और कुछ भी डिलीट नहीं होगा और आपका फ़ोन का स्क्रीन लॉक भी अनलॉक हो जाएगा, वही बिल्कुल फ्री, आपको यहाँ पे लाइव में दिखा रहा हूँ, देख भी सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 30 लाइन कंप्लीट होने के बाद हमें इसे बैक कर लेना होगा। बैक करने के बाद फिर जायस्कोप सेटिंग्स पे क्लिक करके इसे स्टार्ट करके इसे बैक करिएगा, फिर यहाँ पे जायस्कोप नोडर पे क्लिक करके और यहाँ पे देख लो सेंटेंस लिखा हुआ होगा, स्टार्ट कीजिएगा, नहीं यहाँ सेंटेंस चेंज हो जाएगा, देख सकते हो सेंटेंस चेंज हो गया, इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर बैक कीजिएगा, फिर नीचे आने के बाद एम सेंसर पर क्लिक करके यहाँ पे आप डिग्री देखिएगा, डिग्री चेंज हो जाएगा, होम बटन क्लिक कर दीजिएगा, आपका रियलमी का हैंडसेट जो है वो घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।